हेलो। तो राम राम। एक और न्यू ब्लॉग में मैं आपके लिए न्यू ब्लॉग लेके आ चुका हूँ। जैसे कि आपको मैं दिखा सकता हूँ, अभी मकर संक्रांति है तो सभी को मेरी तरफ़ से हार्दिक शुभकामनाएं मकर संक्रांति की। और भाई आप लोग कैसे आशा करते हैं, आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही स्वस्थ होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे क्योंकि अभी मकर संक्रांति का त्यौहार आ रहा है। तो दोस्तों काफ़ी कुछ आप लड्डू वड्डू बनाने में जुटे होंगे। और अभी राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है 22 जनवरी को दोस्तों, तो आप सब वहाँ जाएंगे या नहीं जाएंगे हमें ज़रूर बताइए। हम तो जाएंगे लेकिन आप लोग भी चलिए, वहाँ पर बहुत ही भीड़ भाड़ होनी है, इसलिए मैं तो सिर्फ यहीं ओरछा जाऊंगा राम राजा के मंदिर के दर्शन करने के लिए। और अब से भी मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ कि भैया आप भी वहाँ पर, भीड़ भाड़ काफ़ी होगी इसीलिए फ्री टाइम में जाइए वहाँ पर, या आपको जाना है तो ओरछा जाइए, ओरछा भी राम मंदिर है दोस्तों। आपसे मैं यही कुछ कहना चाहता हूँ और आप भीड़ भाड़ में मत जाइए। मकर संक्रांति का जैसे कि त्यौहार है, छोटे बच्चे को वगैरह तले तालाब में मत ले जाइए, कहीं भी नदी मदी में गहरा बहरे पानी में मत नहाइए दोस्तों। और आपको मैं ये बताना चाहता हूँ, मैं भी जाऊंगा लेकिन बुड़की लेने के लिए, लेकिन दोस्तों मैं कहीं कुछ तालाब मालाब में नहीं जाऊंगा, मैं तो यहीं छोटे से अपने कुएं पे ही बढ़िया बुड़की लूंगा दोस्तों। और जैसे कि मैं अभी वीडियो शूट कर रहा हूं अपने खेतों से दोस्तों, तो आपको मैं दिखा सकता हूं, ये रहे हमारे खेत और काफ़ी गेहूँ कुछ बड़े हो चुके हैं दोस्तों। आप अगली वीडियो में मैंने जो वीडियो बनाई थी उसमें काफ़ी कुछ छोटे थे गेहूँ, तो मैं दिखा सकता हूँ ये काफ़ी बड़े हो गए हैं। आप हमें कमेंट कीजिए आपके यहाँ लड्डू बनते हैं या नहीं बनते, आप बुड़की लेते हैं या नहीं लेते।